पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीदों को कैंडल मार्च जलाकर श्रद्धांजलि देते लोग, कैंडल मार्च जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते लोग। रामपुर गांधी समाधि पर आज सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कैंडल मार्च जलाकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भारतीय सैनिक शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सरकार से मांग की कि आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़े कदम उठाए जाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले से 42 सैनिक शहीद हो जाने से पूरे शहर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जगह जगह लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि शहीद हुए सैनिकों का आतंकवादियों से बदला लिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। पुलवामा में जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? पुलवामा में जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, इससे बढ़कर दुखद घटना और कुछ नहीं हो सकती। 42 शहीद हमारे जवान जो है शहीद हुए हैं। बहुत से घरों में जिस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था उस दिन हमारे जवान हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। क्या सरकार ने कुछ इसमें एक्शन लिया? सरकार ने एक्शन जो है उन परिवारों को उनकी जो संपत्ति उनको जो धनराशि है वो दी जाएगी, जिससे उनके परिवार का आगे जो जीवन यापन है चलेगा।